नमस्कार, मैं आमिर हनीफ, ब्यूरो चीफ इंडिया आउट 24 से। इस समय हम लोग लखनऊ के एक नए डेवलप्ड एरिया जानकीपुरम क्षेत्र में हैं और यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लड कमांडो का एक एनजीओ फॉर्म किया गया है, जिसमें बहुत ही कार्यनिष्ठा से राजीव गोयल जी, जो एक सरकारी अधिकारी होने के नाते बहुत मेहनत से लोगों को काम कर रहे हैं और उनको जरूरत पड़ने पे ब्लड और बाकी अस्पताल की सुविधाएं दिलाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले राजीव जी का लखनऊ में स्वागत करते हैं और इस मिशन के लिए उनको सैल्यूट करते हैं और राजीव जी का थोड़ा परिचय लेंगे, उसके बाद आपको आज जो यहाँ डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। राजीव जी, बहुत बहुत आपके हम लोग आभारी हैं और लखनऊ में स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गोयल, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। हमारी एक एनजीओ है ब्लड कमांडो फाउंडेशन, उसके तहत हम जो है पिछले 8 साल से कैंप लगा रहे हैं और पिछले 16 साल से मैं खुद डोनेशन करता था, कर रहा हूँ और लगभग 80 बार में अब तक ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। तो राजीव जी, ये ब्लड डोनेशन का मोटिवेशन आपके अंदर कैसे जगा, किस चीज ने आपको अग्रसर किया कि आप ये ब्लड डोनेट करने की लाइन में, क्योंकि आप एक सरकारी अधिकारी हैं और आप इस समय फरुखाबाद में पोस्टेड हैं, तो काफी आपको मैनेज करने में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाने में टाइम निकालना पड़ता होगा और असुविधा भी होती होगी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली 2004 में हमारे फादर को ब्लड ग्रुप थी, उनका ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव था, जबकि हम भाइयों का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव था। तो हमारे फ्रेंड्स ने और रिलेटिव ने ब्लड दिया था, तब से मैंने लगा कि हमें ब्लड देना है, तब से देना शुरू कर दिया था। फिर जो है 2012 फिर ब्लड कमांडो फाउंडेशन बना के हम लोगों ने वर्क करना शुरू कर दिया था। देखिए कितनी अच्छी बात की, राजीव जी के फादर को ब्लड की जरूरत थी और उनके नाते इन्होंने अब जो उनकी जरूरत तो लोगों ने पूरी की, बट अब ये बिना किसी फायदे के लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं। और जैसा कि भी इन्होंने चर्चा में बताया था कि कल रात में ये यहाँ से पहुंचे लखनऊ और उसके बाद आज रात में फिर फरुखाबाद वापस जाएंगे और इनकी टीम भी फरुखाबाद से आई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ये सब लोग सिर्फ मानवता के लिए काम कर रहे हैं। तो राजीव जी, ये जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, इसका कोई ऐसा एनजीओ या कुछ इस तरह का बैनर है जिसके तहत ये काम होता है? जी, मैं 2016 तक जालौन में रहा हूँ, वहीं पे ये एनजीओ फॉर्म हुई थी, उसका रजिस्टर भी 2019 में कराया है मैंने। वर्तमान में फरुखाबाद में ग्रामीण अंतर विभाग में जूनियर पद पर तैनात हूँ। तो ये एनजीओ जो है हमारी रजिस्टर हुई है अक्टूबर 2019 में हुई है, लेकिन वर्क जो है 2012 से कर रही है। तो राजीव भाई, जैसे आपने बताया कि आपने 80 बार ब्लड डोनेट किया और इस तरह के, उसमें तो आज इस एज में आके आपको क्या लगता है, आपको कोई स्वास्थ्य पे आपके इसका इफेक्ट या किसी तरह का जो एक सोशल मैसेज जाए, लोग जिस बात से डरते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो वीकनेस, या कोई आपको अभी तक इतने बार डोनेट करने के कोई ऐसा फील होता है? नहीं, ये मेरा टैगलाइन भी है कि मैं बनिया हूँ, राजीव गोयल नाम है, और ब्लड डोनेशन से फायदा है इसलिए मैं ये करता हूँ। ये पुरानी बातें हो गई कि ब्लड डोनेशन से कोई नुकसान नहीं है, आज की डेट में ये है कि ब्लड डोनेशन से फायदा है। जो ब्लड दे सकता है, डोनेट नहीं कर रहा तो अपना नुकसान कर रहा है। निश्चित रूप से ये है कि जो डोनेट कर रहा है उसे करना चाहिए, वो खुद के फायदे की बात है। जैसे कि वो ये है कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना सर्विस के, कभी भी इंजन सीज हो जाएगा। तो ब्लड डोनेशन ने जो अंधविश्वास है उनकी बातें छोड़ के इस नए जमाने साथ चल के वो ब्लड डोनेट करना चाहिए। और अपने आप किसी रिश्तेदार डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ब्लड डोनेशन से अगर वो एक भी नुकसान उठा दे तो इम्पॉसिबल, कोई नुकसान नहीं होता सकता। बस ये नुकसान है कि देने लायक ना हो तो ब्लड दे आदमी। भाई ये है कि ब्लड देने लायक हो तो ब्लड देना करे, बस मतलब वो स्वस्थ होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया ये है कि जो ब्लड डोनर है वो स्वस्थ हो, बस, और कोई ऐसी चीज नहीं है। उसकी जो है एज जो है 18 से 65 साल होनी चाहिए, वजन 45 से ऊपर होना चाहिए और प्लस उसका हीमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए। इससे ऊपर हो तभी वो डोनेट कर सकता है, तभी किसी का फायदा भी है। अगर किसी कमजोर मतलब कम ब्लड वाले को लेंगे तो किसी चढ़ाएगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको।
राजीव जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन में बहुत तकलीफ होती है या कोई सर्जरी इन्वॉल्व होती है या कोई ऐसी चीज है, तो एक छोटी सी आप उस पर भी एक टिप्पणी दे दें कि लोगों के मन से वो डर निकल जाए जिस बात से वो डरते हैं कि पता नहीं कितना तकलीफ होगा या क्या होगा। जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो 8 घंटे लगते हैं, 4 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन जब ब्लड निकाला जाता है तो सुई होती जो लगाते हैं सुई मोटी होती है। निश्चित रूप से जब सुई लगती है तो दर्द होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सुई लगाने बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो कहते हैं ना एक सर्व का एडवर्टाइजमेंट आता है कि दाग लगने से अगर इच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। तो मेरा कहना यह कि अगर सुई लगने से दर्द होता है उस दर्द से किसी की जान बचती है तो वो दर्द अच्छा है। तो वो दर्द तो बहुत क्षणिक होता होगा, और आपके हाथ में वो कहाँ पे उसको पॉइंट आउट करते हैं? मतलब एक वो बीच में नस है, मोटी नस है, उसमें लगाते हैं और 2.5 से 5 मिनट लगते हैं सिर्फ। ओके, इसके बाद 5 मिनट का हाथ मोड़ के आपको रखना है जिससे क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड रुक जाए। वो इसलिए करते हैं कि ब्लड जिसे जल्दी निकल आए। ब्लड निकालना बहुत मतलब फास्ट प्रोसेस है और कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। यानी कि डोनर को ये समझना चाहिए कि सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट की प्रोसेस है और उसके बाद कोई वीकनेस या किसी तरह की उनको, या जैसे हम आपको देख सकते हैं कि इतनी बार डोनेट करने के भी आप अपना पूरा काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी तरह की भी कोई वो नहीं। और आपने बताया कि ये सेहत के लिए भी अच्छा है, ब्लड पतला रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है। तो राजीव जी, ये मैं देख रहा हूँ कुछ आपके ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो आप ये देते हैं लोगों को, बलरामपुर ब्लड बैंक है जो डोनेट किया था, जो आज का डोनेशन था, तो लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जो लोग डोनेट करते हैं। हाँ, तो इस सर्टिफिकेट का कोई उनके पास होने से क्या फायदे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया। बेसिकली क्या है कि सर्टिफिकेट से सिर्फ ये सर्टिफिकेट आया था कि ब्लड डोनेट किया, इसके बाद डोनर कार्ड मिलता है उसके बदले आप ब्लड ले सकते हैं। लेकिन जो हमने जो अपना मन बनाया है कि जो ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं वो बेसिकली काम है थैलेसीमिया वालों के, कैंसर पेशेंट वालों के, एक्सीडेंट वालों के, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो ब्लड डोनेट करें वो दान करते, दान के लिए मांगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए उसको। ओके, मतलब ये, और ये जब अपना सर्टिफिकेट लोग घर ले जाते होंगे तो उनके परिवार के मेंबर्स वगैरह भी इसको बहुत मोटिवेट होते होंगे देख के। और ये कुछ और संस्थाओं के भी मैं देख रहा हूँ आपके पास यहाँ पे, ये हैं फरुखाबाद के हैं, ये फरुखाबाद के हैं, तो ये इसी तरह जब आपके कैंप्स होते हैं तो ये आप ऑर्गेनाइज करते हैं? नहीं, वही ब्लड बैंक वाले देते हैं। ओके ओके, तो राजीव जी, कोई अगर डोनर आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है, और अगर उसको ब्लड की जरूरत है तो उसको क्या करना चाहिए? इस पे बिल्कुल साफ साफ दोनों अलग बातों में आप बताइए जिसमें ये पिक्चर क्लियर हो जाए। मेरा मानना ये है कि जो कैंप करते हैं और हम जो एनजीओ हैं, लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए। आगे आगे हम लोगों को कैंप में डोनेट करके, जिससे ज्यादा ज्यादा ब्लड बैंक अगर रहेगा, फुल रहेगा, तो लोगों को समय ब्लड मिल जाएगा। और बाकी जब तक परिवार में जरूरत है तो सबसे पहले उसको अपने खुद से डोनेट करना चाहिए, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का डोनेट करने के बाद फिर एनजीओ की मदद मांगनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरू में एनजीओ की मदद मांग लेते हैं, तो हम लोग जब वेरीफाई करते हैं तो पता लगता है परिवार से भी एक भी डोनेशन नहीं हुआ है और वो एनजीओ से पहले मदद मांग लेते हैं। कोई राजीव जी आपका संपर्क सूत्र जिसपे डायरेक्टली जो डोनर या मोटिवेट होके आया है तो वो जेन्युइन उस पे आके आपको संपर्क करके और आपके यहाँ दे दिया करे? जब भी हम कैंप लगाते हैं तो अपना पूरा मैसेज हम व्हाट्सएप पे वो करते हैं और फेसबुक पर देते हैं, फिर भी नंबर है हमारा 9721333325। सर एक बार और रिपीट कर दे, 9721333325। इस नंबर पे अगर कोई डोनेट करना चाहता है उसे संपर्क कर सकता है, तो उसको जो है ब्लड डोनेट करा देंगे। और जरूरी नहीं कि लखनऊ में ही, पूरे यूपी में कहीं भी आप डोनेट करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू डोनेट कर सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कि एक सिंगल हैंडेड पर्सन पूरे यूपी में लोगों को ब्लड के लिए अरेंजमेंट के लिए बैठे हैं, जैसे ऐसा लगता है कि वो मरीज या जिसको आवश्यकता है वो इनके परिवार का मेंबर है और पूरे यूपी में वो कहीं भी अरेंज करा के देते हैं। तो इस तरह लोगों को अपने यहाँ से बाहर आना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए कि ये करें। सर, हमारा चैनल इंडिया नाउ 24 आपके साथ है, आप किसी तरह का भी कोई मैसेज या कुछ भी, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे और लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपके पास जो भी इस तरह के आइडियाज हो वो हमसे शेयर करिए, हम उसको रेगुलर ऑन एयर करेंगे, लोग देखें और मोटिवेट हों। और सर, इस महान आपके जो मूवमेंट है इसके लिए हम आपको वंस अगेन एक सैल्यूट करते हैं। और सर, एक बहुत छोटा सा आपके लिए हम
आज इस कार्यक्रम में आपको एक सम्मान देना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है, मगर इसको स्वीकार करें हमारी तरफ से, और आपके कर्मों के आगे ये बहुत छोटा है। बट और फिर कहूंगा लास्ट में रक्तदान करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे लोग, ऐसे अगर समाज में आ जाएं तो हम लोगों को बहुत ही परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, और लोगों की सोच ही बने तो मानवता, भाईचारा, हर चीज में आगे हो सकते हैं। और ये देखिए, इतनी दूर से आने के बाद सिर्फ एक दिन इन्होंने अपने कुछ घंटे बिताए, और अब ये फिर रात में वापस जाएंगे, तो टायरिंग भी हुआ, पैसे भी खर्च हुए, मगर क्या है, सिर्फ मानवता के लिए काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।